तो व्हाट्सअप गाइस, तो आज मैं द वर्ल्ड ऑफ वार का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्या वेट कर रहे हो, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर वो फैटी बोलता है कि नहीं, मैंने इस बंदे को नहीं मारा है। और वो जब बहुत ज़्यादा घबरा रखा था, तभी वो कैप्टन बोलता है कि हाँ, हम लोग को ये पता है कि तुमने उसको नहीं मारा है, और उसको जो उस AI ने मारा है क्योंकि इस बंदे ने उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया था, उसको ब्रेक कर दिया था। तो हम देखते हैं कि फैटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, और वो जो उस ट्रेन के गेट पर बहुत ज़्यादा जोर से अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर में ये ट्रेन का ड्राइवर है कौन, और मुझे यहां से बाहर निकालो। तो हम देखते हैं कि फैंग उसको शांत करवाता है, उसके पास जाता है, बोलता है कि देखो कि ये ट्रेन में कोई भी ड्राइवर नहीं है, बल्कि ये ट्रेन जो है उस AI के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो अगर तुम उसको नाराज करते हो तो तुम तो मरोगे और हम लोग के लिए भी मुसीबत का बात हो सकता है, तो शांत रहो। तो हम देखते हैं कि फैटी अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और वो जो है उसको दूर धकेल लेता है, जिसके कारण फैंग नीचे गिर जाता है। तभी वो आंटी जो उस फैंग को खड़ा करती है, लेकिन हम देखते हैं कि फैटी अभी भी शांत नहीं हुआ था, और वो जब फैंग पे ऊपर अपना गुस्सा निकालने वाला था और उसको जो मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक गन फायर का आवाज़ आता है, और हमें पता चलता है कि जो कैप्टन है उसके पास एक गन मौजूद है। तो गन को देखकर हम देखते हैं कि ली का हालत ख़राब होने लगता है, और वो फैटी वो तो बहुत ज़्यादा ही डर गया था। और फिर तभी हम कैप्टन को देखते हैं जो कि उस गन को अंदर रखते हुए बोलता है कि देखो, तुम सब लोग यहाँ पर हो क्योंकि तुम सब ने एक इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया था जो कि इस AI के द्वारा तुम्हारे कंप्यूटर पर भेजा गया था, और तुम सब लोगों ने जो उस नोटिफिकेशन में यस बटन को क्लिक किया था, तो उसका नतीजा यह निकला कि तुम सब लोग यहाँ पर हो, समझे। तो ये सब बात सुनकर मिस लैन बोलती है कि आपका बात ठीक है, लेकिन हम लोग इस वर्ल्ड से बाहर कैसे निकलेंगे। तो वह कैप्टन बोलता है कि देखो, इस वर्ल्ड से बाहर निकलना तो अभी फिलहाल छोड़ो। वो कैप्टन बोलता है कि देखो, इस AI के द्वारा हम सबको एक मिशन दिया जाएगा, और हम लोग सबको उस मिशन को कंप्लीट करना होगा। तो उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग को कुछ रिवार्ड मिलेगा, जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ और मनी। तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मनी हो जाएगा तो तुम इस वर्ल्ड में कुछ भी कीन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये सब कमाने के लिए तुमको जो है सर्वाइव करना पड़ेगा इस वर्ल्ड में। और हम देखते हैं कि वो कैप्टन जो है उन सबको इस वर्ल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है, बाकी सब बताने लगता है। फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस लैन बोलती है ये सब बात सुनकर कि हम लोग इस वर्ल्ड को गेमिंग वर्ल्ड के रूप में कंपेयर कर सकते हैं। तो वो कैप्टन बोलता है कि हाँ, तुम इसे एक गेमिंग वर्ल्ड भी समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उस कैप्टन से इस वर्ल्ड का इतना इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फैंग उससे पूछता है कि आपको इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता है, तो क्या आप इस वर्ल्ड में पहले भी आ चुके हैं। तो वो कैप्टन बोलता है कि हाँ, मैं इस वर्ल्ड में 4 बार आ चुका हूँ, और मैं हर बार सर्वाइव करके यहाँ से चला जाता हूँ, और मैं हर बार जो पैसे मैं कमाता हूँ उससे कुछ अच्छा चीज ही किनता हूँ, जैसे कि मैंने ये गन किना है जिसका बुलेट कभी ख़त्म ही नहीं होता। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन बाकी सबको बताने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ली बताता है कि वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, मिस लैन बताती है कि वो एक राइटर है। तो तभी वो फैटी बोलता है कि वो एक बिजनेसमैन है। तो तभी वो आंटी बोलती है कि मैं जो अपनी बेटी से बात कर रही थी फ़ोन पर, लेकिन मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, तो मैंने जैसे ही उस नोटिफिकेशन पर क्लिक किया मैं यहाँ पर पहुँच गई। तो तभी फैंग उन सबको बताता है कि वो एक वाइट कॉलर वर्कर है, और वो सब लोग जो है फिर उस शैडो गर्ल की तरफ देखने लगते हैं। तो वो शैडो गर्ल अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन देने वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ट्रेन पर कुछ ज़्यादा ही हलचल होने लगता है, और उन लोग को बहुत ज़्यादा अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अजीब आवाज़ सुनाई देने के बाद वो कैप्टन जाता है, और वो जो दूसरे कंटेनर का गेट बंद कर देता है, दूसरे केबिन से कोई भी बंदा यहाँ पर ना आए। तभी हम देखते हैं कि वो फैटी वो सब आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था, और वो जो है एक विंडो के पास चला जाता है देखने के लिए कि आखिर में हो क्या रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस खिड़की पर एक मॉन्स्टर अपना हाथ रख देता है। तो हम देखते हैं कि उसका हाथ देखकर वो फैटी बहुत ज़्यादा ही डर गया था। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि आप सबका सर्वाइवल टाइम इस वर्ल्ड ऑफ वार में शुरू होता है, और आप लोग को जो है 4 घंटे के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा, और अगर आप लोग सर्वाइव कर जाते हैं तो उसके बाद आप लोग को खुद बचा लिया जाएगा इस चीज़ से। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लैन उस कैप्टन से पूछती है कि क्या गेम स्टार्ट हो चुका है।
तो वो कैप्टन बोलता है कि हाँ ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये सब बात सुनकर वो फैटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने गुस्से में आकर उस ट्रेन के कैबिन को ब्रेक कर देता है, गेट में लटक जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया था, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो हम देखते हैं कि जब उसका नजर उस ट्रेन के छत पर पड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा एक अजीब मॉन्स्टर मौजूद है। तभी हम देखते हैं कि वो फैटी जो गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी और वो डिमन उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी जो हम देखते हैं कि फैंग उस फैटी को बचा लेता है और वो फैटी बहुत ज्यादा ही डर गया था। वो बोलता है कि ट्रेन के छत पर कुछ है, कुछ है। तो हम देखते हैं कि वो कैप्टन जो अपना गन ले लेता है और फिर वो जो उस दरवाजे से बाहर देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस ट्रेन के छत के ऊपर एक डीमन नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डीमन ने अटैक कर दिया है। जो कैप्टन था वो अपना गन का यूज करके उन सारे जॉम्बिस, उन सारे डीमन्स को मारने रखता है। और हम देखते हैं कि जो फैंग था वो जो वहाँ पर एक सिलेंडर का यूज करके उन सारे डीमन से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डीमन खिड़की को तोड़ते हुए ली पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मिस लैन थी उसने ये चीज देख लिया था और वो एक रथ से उस डीमन पर अटैक करके उसको वहीं पर मार देती है। लेकिन तभी एक डीमन उस पर भी अटैक करता है और उसका कपड़ा फाड़ देता है, लेकिन मिस लैन उसको भी मार देती है। और फिर तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो फिर से ली पर अटैक करने ही वाला होता है कि इस बार लिन का हालत खराब हो गया था और वो डर के मारे उस जॉम्बी को किल कर देता है। क्योंकि अक्सर जब हम लोग डर जाते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और हम लोग कुछ भी करने लगते हैं, और इसी डर ने जो इनका जान बचाया है। और फिर तभी हम देखते हैं कि एक जॉम्बी जो उस शैडो गर्ल पर अटैक करने ही वाला होता है, और वो शैडो गर्ल जो मेरे ख्याल से एक असासिन थी क्योंकि उसने अपना वेपन रेडी कर लिया था जो कि एक असासिन के पास होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कैप्टन जो उस डीमन उस मॉन्स्टर को मार देता है और यहाँ पर शैडो गर्ल का आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाता है फिर से। और फिर तभी हम देखते हैं कि एक डीमन जो है उस फैटी पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो फैटी इतना घटिया था कि वो उस आंटी को अपने सामने लेके आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमन पर जो है फैंग का नजर पड़ गया था और वो जो है उस डीमन को मार देता है। और फिर तभी हम उन लोग और उन सारे डीमन्स के बीच एक बहुत ज्यादा शानदार फाइट को देखते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि कुछ देर वो लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एक स्टेशन आ जाता है और ये वही स्टेशन है जिसको जो हम लोगों ने पहले भी देखा था। यानी कि सिंपल बात यह कि ये वर्ल्ड वही है, लेकिन हाँ ये वर्ल्ड में कोई भी और चीज नहीं मौजूद है, बस मॉन्स्टर और बस इन लोग मौजूद है। तभी हम देखते हैं कि वो फैटी जो है उस स्टेशन को देखकर सबसे पहले उस ट्रेन से उतरता है और फिर धीरे धीरे सब लोग उतर जाते हैं और वहां पर से भागने लगते हैं ताकि उन लोग जो एक सेफ प्लेस को खोज सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग का नजर जो है उसी बिल्डिंग पर पड़ता है जिस बिल्डिंग में वो काम किया करता था। तो वो जो है उन सबको बोलता है कि हम लोग को उस बिल्डिंग के तरफ चलना चाहिए और सब लोग उसी बिल्डिंग के तरफ चलने लगते हैं, मतलब भागने लगते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग के तरफ बहुत ज्यादा ही जॉम्बिस आ रहे थे। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लोग जो उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग का जो डोर था वो लॉक हो रखा था। तो उस डोर को लॉक देखकर वो फैटी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है फैंग पर। तो फैंग जो उस स्कैनर में अपना फेस स्कैन करता है, लेकिन तब भी वो गेट नहीं खुलता है। तभी फैंग का नजर जो है उस बिल्डिंग के उसी गार्ड पर पड़ता है जिसको जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। और फैंग उसको जो गेट खोलने के लिए बोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गार्ड तैयार नहीं था गेट खोलने के लिए। तो हम देखते हैं कि जब वो बंदा तैयार नहीं हो रहा था गेट खोलने के लिए, तो ये देखकर वो कैप्टन बोलता है कि इस गधे को छोड़ो। वो जो अपने गन की मदद से उस लॉक को तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वो सर्वेंट जिसका नाम साफ है वो जो तैयार हो जाता है और वो जो उस सेंसर को ओपन कर देता है। तो इस बार जब फैंग उस मशीन को अपना चेहरा दिखाता है तो वो स्कैन करके उस गेट को खोल देता है। तो वो फैटी जो उस अंदर सबसे पहले चला जाता है और वो जो उस गेट को बंद करने लगता है। और जब वो गेट बंद होने ही वाला था, लेकिन फैंग जो उस गेट को बंद होने से रोक लेता है और सब लोग धीरे धीरे एक एक करके उस गेट के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैसा कि हर जॉम्बी एनिमेशन फिल्म या फिर नॉर्मल फिल्म में होता है, कोई ना कोई बंदा फंसता ही है, वैसे ही आंटी का फोन जो खो गया था। तो आंटी उस फोन को खोजने लगती है जो कि उनको नहीं मिलता है। हम तभी उस कैप्टन को देखते हैं जो कि उन सारे जॉम्बिस पर अटैक कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा जॉम्बिस थे तो वो भी जो है उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो फैंग है वो उस आंटी को घिस के उस बिल्डिंग के अंदर ले जाने का कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि वो सारे जॉम्बिस जो है उस आंटी को पकड़ लेते हैं और उस आंटी को अपने तरफ घींच के उसको बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत देते हैं। इस आंटी का और हम लोग का साथ यहीं तक था।